इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की तरफ से एक ताज़ा खबर आई है। यदि आप जानना चाहते हैं किस प्रकार की ताज़ा खबर आई है तो वीडियो को लास्ट तक देखें। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर न्यू विजिटर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आप देख रहे हैं मंजीत अकेडमी चैनल, मैं हूं आपका दोस्त मंजीत यादव। चलो फ्रेंड, अब शुरुआत करते हैं। तो ये देख लो, फेल कोई नहीं होगा, मेरिट भी किसी को नहीं मिलेगी। फैसले से जो छात्र संतुष्ट नहीं हुए दे सकेंगे परीक्षाएं। ठीक है, रद्द हुई 10वीं की परीक्षाओं के बाद उठ रहे सवालों के बीच हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की बेहतर तैयारी का दावा करने वाले परीक्षार्थियों के लिए एक ऑप्शन दिया है कि बोर्ड अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि किसी भी बच्चे को फेल नहीं किया जाएगा और मेरिट किसी को नहीं मिलेगी। जो बच्चे बोर्ड के फैसले से संतुष्ट नहीं है वे अपनी तैयारी जारी रखें, उन्हें परीक्षाओं का विकल्प मिलेगा। बोर्ड अधिकारियों के मुताबिक अब नए विकल्प पर विचार किया जा रहा है। इनमें सबसे अहम यह है कि जो परीक्षा देना चाहते हैं उनकी परीक्षा ली जाएगी। इन परीक्षाओं की तिथि के संबंध में 15 दिन पहले ही सूचित किया जाएगा। इस संबंध में 30 अप्रैल और 1 मई को बोर्ड अधिकारियों की रिव्यू बैठक भी होगी। प्रदेश में 10वीं परीक्षा के लिए कुल 3,34,424 परीक्षार्थियों ने आवेदन किया था। तो ये देख लो, परीक्षा से 15 दिन पहले आपको सूचित कर दिया जाएगा कि आपका पेपर कब है। ठीक है, तो यही खबर आप लोगों को बतानी थी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ रहे।